हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम पल्लवी है और इस वीडियो में मैं एज अ पेशेंट अपना रेडिएशन थेरेपी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो रेडिएशन थेरेपी और रेडियोथेरेपी में हम हाई डोजेज ऑफ एक्सरेज देते हैं जिससे कि कैंसर सेल्स का डीएनए डैमेज हो जाता है। तो वो सेल्स जब मल्टीप्लाई करके ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो बिकॉज ऑफ देयर करप्टेड डीएनए वो मल्टीप्लाई या ग्रो नहीं कर पाते हैं और इवेंचुअली वो मर जाते हैं। इसलिए रेडिएशन थेरेपी का रिजल्ट देखने में 2 से 3 महीने तक लग जाते हैं और डॉक्टर्स यही रेकमेंड करते हैं कि 2 से 3 महीने आप वेट करिए, उसके बाद हम पेट स्कैन करके रेडिएशन थेरेपी का रिजल्ट देख पाएंगे। अब रेडिएशन की कितनी डोजेस देनी है ये सब आपके टाइप ऑफ कैंसर, टाइप ऑफ ट्यूमर, एज, कीमोथेरेपी रिजल्ट्स एक्सेट्रा चीज़ों के बेसिस पे डिपेंड करता है। तो हमारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ये सारा डेटा हमसे लेते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि कितने रेडिएशन डोजेस इनको देनी है। रेडिएशन के डोज को फ्रैक्शन बोलते हैं, मीन्स 1 dose = 1 fraction। तो मेरे केस में 25 फ्रैक्शंस हुए थे, मतलब मैं 25 बार हॉस्पिटल गई थी रेडिएशन थेरेपी के डोजेस को लेने के लिए। तो इस प्रोसेस की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि सबसे पहले हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अब तक के हमारा सारा डेटा, पेट स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन जो भी हुआ हो उनकी सबकी रिपोर्ट और फिल्म्स लेते हैं और फिर हमारा एक थर्मोप्लास्टिक मास्क बनता है। वो मास्क हमें इसलिए पहनाया जाता है जिससे कि रेडिएशन जब एमिट हो रहा हो तो पेशेंट अपनी प्लेस से हिले नहीं और वो मशीन जितना पॉसिबल हो सके उतना एक्यूरेटली और प्रिसाइसली रेडिएशन हमें दे पाए। तो थर्मोप्लास्टिक मास्क बनाने का प्रोसेस ये था कि क्योंकि मेरे केस में मीडिया इंटेस्टाइनल ट्यूमर था तो जो मेरा थर्मोप्लास्टिक मास्क बनना था वो यहाँ से लेके अपर बॉडी तक बना था। तो मुझे कपड़े उतार के सीटी स्कैन वाली मशीन पे लेटाया, फिर पहले मेरा एक सीटी स्कैन हुआ। उधर बैकग्राउंड में उन्होंने क्या करा कि गर्म पानी में प्लास्टिक के एक मैश को डाला था, वो गर्म पानी में जाते ही वो बहुत सॉफ्ट प्लास्टिक हो जाता है और फिर जब सीटी स्कैन मेरा कंप्लीट हो गया तो फिर वो लोग उसको प्लास्टिक की शीट को लेकर आए थे और फिर उन्होंने मेरे ऊपर रख दिया था और चारों तरफ से बिल्कुल टाइटली एज पॉसिबल प्रेस किया था। 2-3 लोग थे इसलिए आराम से उन्होंने सारा काम कर दिया था। फिर उसके बाद दोबारा से एक सीटी स्कैन हुआ था। इस बार वो ये भी मॉनिटर कर रहे थे कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा बॉडी का मूवमेंट कितना होता है। डॉक्टर ने बताया था कि सांस लेने की जो मूवमेंट होता है मशीन उसको भी कैप्चर कर लेती है जिससे कि रेडिएशन देते समय और भी एक्यूरेटली और प्रिसाइसली रेडिएशन दे पाए। तो ये पूरा प्रोसेस लगभग 20 से 25 मिनट चला था। जब जैसे ही ठंडी हो जाती है वो प्लास्टिक, वो बहुत हार्ड हो जाती है और फिर हमारा थर्मोप्लास्टिक मास्क बन के रेडी हो जाता है। फिर जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया था वो लोग दोबारा से सीटी स्कैन वाले रूम में आ गए थे और मास्क को रिमूव कर दिया था और मेरी बॉडी पे मार्कर से कुछ कुछ निशान लगाए थे उन्होंने चेस्ट में, लेफ्ट एंड राइट शोल्डर के आसपास, और उन मार्क्स के ऊपर टेप से कवर कर दिया था। उन्होंने बोला था कि जब तक आपका रेडिएशन प्रोसेस चलेगा 25 to 35 days आपको ये मार्क्स नहीं रिमूव करने हैं, ये टेप नहीं हटाना है। थर्मोप्लास्टिक मास्क बन जाने के बाद उन्होंने मुझे एक रेडिएशन थेरेपी के लिए कार्ड दिया था। उस कार्ड में बेसिकली एंट्रीज होती हैं डेट वाइज और वो साइन कर देते हैं जिससे कि ये ट्रैक करके रख पाए कि कब कौन सी डोज दी गई थी रेडिएशन की। तो थर्मोप्लास्टिक मास्क बनने के बाद नेक्स्ट डे या जब से भी डिसाइड हो हमें रेडिएशन थेरेपी के लिए आना होता है। इस बार हम रेडिएशन वाले रूम में जाते हैं, सबसे पहले हमें हॉस्पिटल की गाउन पहननी होती है और अंदर जाते हैं हम। मेरे केस में जो मशीन थी वो रेडिजैक्ट कंपनी की टोमोथेरेपी मशीन थी। टोमोथेरेपी मीन्स ट्यूमर की रेडियोथेरेपी विच इज़ सेम एज रेडिएशन थेरेपी ओनली। तो मेरे डॉक्टर ने बताया था कि ये वाली जो मशीन है ये कुछ लेटेस्ट मशीन है और इससे आसपास के सेल्स को मिनिमम डैमेज होता है और इसकी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं जाती थी और हॉस्पिटल का गाउन पहन लेती थी कपड़े उतार के, फिर मैं अंदर रेडिएशन थेरेपी वाले रूम में जाती थी। वहाँ पे सॉन्ग्स बजते रहते थे और वहाँ पे हॉस्पिटल गाउन उतार के रेडिएशन वाली मशीन पे लेटना होता था। वो लोग मेरा बना हुआ थर्मोप्लास्टिक मास्क लेकर आते थे और टाइट तरीके से हर तरफ से उसे पिन कर देते थे, वहाँ पे ऑलरेडी होल्स होते हैं उसको इंसर्ट करने के लिए। तो मास्क पहनाने के बाद डॉक्टर्स और हेल्पर्स उस रूम को छोड़ के बाहर चले जाते हैं और वो जो जहाँ पे हम लेटते हैं वो एरिया स्लाइड होके सर्कुलर वाले पार्ट के अंदर चला जाता है। सर्कुलर वाले पार्ट के अंदर जाने के बाद आवाज़ से अगर हम ध्यान दें तो ऐसा लगता है अंदर से कुछ रोटेट हो रहा है। तो अंदर जो डिवाइस होती है जहाँ से एक्सरेज इमिट होती हैं वो रोटेट होती है
और हर तरफ से 360 डिग्री से हमें रेडिएशन की डोज दी जाती है और ट्यूमर को टारगेट करते हैं। तो हम स्लाइड करते हैं, रेडिएशन मिलता है, फिर हम बाहर आते हैं, फिर दोबारा स्लाइड करके अंदर जाते हैं, फिर रेडिएशन मिलता है, फिर बाहर आते हैं। तो इस प्रोसेस को होने में करीब 10 से 20 मिनट लग जाते थे, और कभी कभी एक बार ही होता था ये प्रोसेस स्लाइडिंग एंड रेडिएशन इमिटिंग वाला, कभी कभी दो बार होता था। डॉक्टर ने बताया था कि ये सब आपका प्री प्लान्ड है कि कब कितनी डोज देनी है। डेली हाई डोज नहीं देते, वीक्स में कुछ कुछ दिन में, कुछ कुछ इंटरवल पे लेस डोज भी देते हैं। तो एज ए पेशेंट हमें रेडिएशन बिल्कुल भी फील नहीं होता है, हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है कि रेडिएशन मिला भी है कि नहीं, बस आवाज़ आती है और जो मास्क होता है वो थोड़ा टाइट फील होता है, इसके अलावा कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। रेडिएशन प्रोसेस फिनिश होने के बाद डॉक्टर और हेल्पर्स रूम में आ जाते थे, वो हमारा मास्क रिमूव कर देते थे, फिर मैं रेडिएशन गाउन पहन लेती थी और बाहर आके जो हमारा कार्ड था जिसपे कि डॉक्टर डेट एंड साइन कर देते थे और वो कार्ड मुझे पकड़ा देते थे, फिर नेक्स्ट डे कब आना होता था उसकी डेट वो उस कार्ड पे मेंशन कर देते थे। तो मेरे केस में मुझे जहाँ पे रेडिएशन दिया गया था उसके स्किन बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ और ना ही बर्नड स्किन दिखी, ऊपर से देखने में कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखा। बट कुछ पेशेंट्स को मैंने देखा है जिनके की बहुत ऐसा स्किन बर्न हो जाती है और स्किन ख़राब भी हो जाती है, तो डॉक्टर ने बताया था कि उन पेशेंट्स का क्या होता है कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो स्किन के बहुत पास होते हैं, इसलिए जब उन्हें रेडिएशन मिलता है तो उनके ऊपर की स्किन भी डैमेज हो जाती है और वो बाहर से विजिबल होता है और उन्हें पेन भी होता होगा ऑब्वियसली। बट मेरे केस में वो चीज़ अंदर की तरफ थी, इसलिए बाहर की तरफ स्किन में कोई भी डिसकलरेशन या बर्निंग नहीं हुई। रेडिएशन की 10 से 12 डोजेस के बाद मुझे नेक के पीछे थोड़ा थोड़ा पेन होने लगा था खाना खाते समय और पानी पीते समय, तो डॉक्टर ने बोला कि आप म्यूकेन जेल सिरप पी लीजिए खाना खाने से पहले तो आपको पेन कम होगा। तो पेन कम तो हो गया था बट थोड़ा सा पता चलता था खाना खाते समय कि हाँ थोड़ा सा हल्का पेनफुल सेंसेशन फील होता है और पानी पीते समय भी कभी कभी होता था। तो इसके अलावा मुझे और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। बाकी प्रिकॉशंस के लिए डॉक्टर ने बोला था कि स्पाइसी फूड और मिर्च बिल्कुल भी नहीं खानी है 25 to 35 डेज तक, और कपड़े सॉफ्ट और लूज़ पहनने हैं, और कोई भी सोप क्रीम लोशन मॉइस्चराइज़र कुछ भी नहीं अप्लाई करना है रेडिएशन वाली स्किन पर। तो हर संडे को मेरा एक CBC ब्लड टेस्ट होता था और मंडे को BP वेट पल्स ये सब मॉनिटर करके डॉक्टर से OPD में मिलना होता था, और डॉक्टर मॉनिटर करते थे और सिंपल क्वेश्चंस पूछते थे कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें। और ऐसे करते करते 25 डोजेज ऑफ रेडिएशन मुझे मिल गई और रेडिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया एंड आई वाज गुड टू गो। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप 2 से 3 महीने तक वेट करिए, वो एक डेट बताएंगे, उस डेट पे मेरा पेट स्कैन होगा फिर से। सो दिस वाज माय रेडिएशन एक्सपीरियंस। अगर मेरे एक्सपीरियंस से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले या फिर आपका रेडिएशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आप कुछ माइंड मेकअप कर पाएँ अपना, देन आई विल बी ग्रेटफुल। और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।